इसी उम्मीद में बांधी हुई होगी किसी माता, इसी उम्मीद में बांधी हुई होगी किसी माता, किसी नाजिक तरह की साथी एक दिन नाम आएगा, किसी नाजिक तरह की साथी एक दिन नाम आएगा। इंस्पेक्टर डीसी साहब अभी बाहर ही है, चेयरपर्सन बीडीसी लालू दियानपुर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल ऑफिसर्स और ब्लॉक लालू दियानपुर के आए हुए मौजूद शहरी और पंचीस आवाज नहीं आ रही है, कुछ आ रही है, आ रही है। आप सबको मेरी तरफ से आदाब नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं इसके बाद डीसी साहब के टर्म है, मैं पूरे शॉर्ट टर्म में ही आपको कुछ बातें बताऊंगा, ज्यादातर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में ही बताऊंगा। पहले यहाँ मनरेगा स्कीम का कोई इश्यू उठा कि मनरेगा स्कीम में वर्क शुरू नहीं हुए हैं, मेरी सभी सरपंची से अब यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं उन सबसे रिक्वेस्ट होगी कि मनरेगा में काम की कोई कमी नहीं है, आपका सारे प्लान अप्रूव्ड है। मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जितने भी और दाली उद्यानपुर के जो वीडियो साहब, उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि जहां भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम लगवाए, उनको काम दे ताकि लोग उसमें जो है काम कर पाए। डिटेल कंपोनेंट में जैसे आप देख रहे हो, हमने इस साल कोशिश की थी कि आपके ही पंचायत लेवल पर ब्लॉक लेवल पे ट्रांसपेरेंसी आए तो टेंडरिंग करेंगे, लेकिन टेंडरिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, आपके कंट्रेक्टर जो हर जगह वो पहुंच नहीं पाते हैं या कुछ दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैंने वीडियो को ये कहा है, जैसे वीडियो डाली जानकर फिर को भी ये कहा है, जहां पे काम लगता है वहीं का ही कोई जीएसटी होल्डर जो भी पंचायत का है या वार्ड का है उसको आप वेंडर रजिस्टर कीजिए और उसी से मटेरियल जो है प्रोक्योर कीजिए ताकि वहां पे आप लगाइए। अगर आपका कंट्रेक्टर सप्लाई नहीं कर पाता है, अगर कंट्रेक्टर सप्लाई करता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उससे ले लीजिए, उससे ड्रॉप करवाइए ताकि अपना काम करवाइए। अगर कंट्रेक्टर नहीं आ पाता है तो फिर आप लोकल आपका जो पंचायत में या वार्ड में जो भी जीएसटी होल्डर, क्योंकि आज की डेट में आपके पंचायत में कंट्रेक्टर की कोई कमी नहीं है, चार चार पांच पांच दस दस कंट्रेक्टर हर जगह है जिनके पास जीएसटी है, वो एज वेंडर से रजिस्टर हो सकते हैं और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपका काम जो स्पीड अप हो जाए। दोनों भाई ने जैसा बताया गया, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल जितने भी हमारे पास लिस्टें वेट लिस्ट सब सक्रिय हो चुकी है, सब सेंक्शन हो चुकी है, आप उनको कंप्लीट कीजिए, उनकी इंस्टॉलमेंट टाइमली आ रही है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली है लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए उनके मकान नहीं बनाए हैं। आपको पता है ये स्कीम 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी, आपका जितना पैसा है लाइब्रेटी में चला जाएगा, फिर आप भी आई वाई वाले बन जाएंगे तो 12 करोड़ 13 करोड़, इसलिए स्पीडअप कीजिए अपने कामों को। डीडीएस को इंस्ट्रक्शन से, फील्ड स्टाफ को इंस्ट्रक्शन से कि टाइमली जियो टैगिंग हो जाए ताकि आपके ऑर्डरशिप जनरेट होकर आपके डीडीटी बोर्ड पे आपके अकाउंट में जो है पैसा पड़ जाए। तो ये पीएमएवाई स्कीम पे जितने भी पीएमएवाई हाउसेज हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है इस पे आप काम करवाइए, सरपंच भी काम करें और जो बेनिफिशियरी वो भी काम करें, जिन लोगों ने काम नहीं किया है या इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट लेके बैठ गए हैं, अगर वो मकान का काम नहीं लगाते हैं तो उनसे रिकवरी होगी, वीडियोज के इंस्ट्रक्शन है तो वीडियो जो है उनसे रिकवरीज करें ताकि उन किसी को डिलीट कर देंगे, क्योंकि कोई आदमी सरकार का पैसा लेके इस पे बैठ जाए तो बोले कि मैं मकान भी नहीं बनाऊंगा और पैसे भी वापस नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार का पैसा या तो जिस मकसद के लिए सेंक्शन होगा उसको इस्तेमाल करना है और अगर नहीं कर सकते तो वापस कर देना है, बगैर मतलब को उसको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में आपने यहाँ पर लाइबिलिटीज की बात की, एसी के साथ भी डिस्कस किया है, डीसी साहब भी बात करेंगे तो जितनी आपकी लाइबिलिटीज है वो जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो रिलीज हो जाएंगे। कैपेक्स के कामों में आप कह रहे हैं कि काम अच्छे हो रहे हैं, कहीं पर अगर क्वालिटी नहीं हो रहे हैं तो उसको मॉनिटर कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी पंचायत में आपके ब्लॉक में कुछ ऐसे काम हो जो अभी अलॉट नहीं हुए हैं। हमारी अलॉटमेंट 99% कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 30 या 32 काम हमारे पास जिला लेवल के बच्चे अभी अलॉट नहीं हुए हैं, लेकिन वीडियो साहब आप कंट्रेक्टर को भेजिए, जो कंट्रेक्टर को अलॉटमेंट मिल चुकी है, अलॉट मिल चुका है, वो आके यहाँ पे काम करें, क्योंकि आने वाला सीजन जो है आगे बर्फबारी हो जाएगी, बारिश पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, इसके बाद फिर काम नहीं होंगे और हमने 70% एक्सपेंडिचर हर काम में 31 दिसंबर तक करना है। अगर ठेकेदारों से काम करवाएंगे तो आपका जो बजट है जो पीआरआई ने बीडीसी ने काम
ध्यान रखें, वो यूज हो जाएगा। अदरवाइज 70% अगर हम एक्सपेंडिचर कारों में नहीं कर पाएंगे, जितना पैसा हमें रिलीज हुआ अगर नहीं हो पाया, तो फिर आपको आने वाले समय में जो बैलेंस पैसा है वो नहीं आएगा। तो कॉन्ट्रेक्टर जितने भी आए, मुझे उम्मीद है यहाँ बड़े कॉन्ट्रेक्टर्स बैठे हुए हैं, पंचायत लेवल के कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, वो अपने अपने कामों को जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि उनकी बिलिंग हो जाए और उनके 50% पैसा हमारे पास आया हुआ है वो विड्रॉ हो जाए, उनको चाहे उनकी जरूरत मिल जाए। तो स्वच्छता पे काम करें, स्वच्छ भारत मिशन में आपने जैसे देखा कि सफाई जो है हम सब का फर्ज है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग है, जनता है, PRIs हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, NGOs हैं, स्कूल्स हैं, सबका काम है। जब तक हम सब लोग सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है सफाई नहीं हो सकती है। सफाई बाहर से आके कोई नहीं करेगा, अगर हम अपने घर की सफाई करके गंदगी सड़क पर या गली में डालेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर से ले जाकर इसको साफ कर दें, डीडीओ साहब आए, तहसीलदार साहब आए, वो सफाई करें और फिर हमारी गली साफ होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना घर, अपना चूल्हा, अपना आंगन, अपनी गली साफ रखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा डस्टबिन जो है आपके वार्ड में एक एक आए हुए हैं, आगे कोशिश करेंगे कि आपके और डस्टबिन जो है इंस्टॉल करना चाहे, लेकिन उसके साथ साथ जो है डोर टू डोर कलेक्शन का जो प्रोग्राम है ये एजेंसी जो है वीडियो को बंद करें, जो हमारे यहाँ गंदगी जमा हो गई उसको उठवा दें, हमारे यहाँ जो है कचरा जमा हो गया उसको उठवा दें। आप वीडियो साइबन के पीछे पड़ेंगे तो आपके मोहल्ले में जो गंदगी जमी हुई है तो डस्टबिन में होगी या बाकी गंदगी होगी वो उठा दी जाएगी, उसको डिस्पोजल कर दिया जाएगा और आपका मोहल्ला साफ होगा। आपने जो शोकेस पिक्स बनाए थे, कंपोस्ट पिक्स बने हैं, उनका इस्तेमाल करें। अपने मोहल्ले का जो आप डिस्पोजेबल मटीरियल है, डिस्पोजेबल मटीरियल जैसे पत्ते हैं, गोबर होगा, बाकी कच्चा सब्जी खाना होगा, तो कंपोस्ट पिक्स में डालें ताकि उसमें कंपोस्टिंग हो और बाद में आप उसको इस्तेमाल कर पाए अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने सुधार के लिए आप उस मैनर को इस्तेमाल कर पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सभी लोगों से कि सफाई में जब तक हम हाथ से हाथ नहीं बताएंगे, सफाई में जब तक हम सब लोग नहीं हो जाएंगे, तब तक यहाँ बीमारी भी रहेगी, गंदगी भी रहेगी और बीमारी की वजह से गरीबी भी रहेगी और पिछड़ापन भी रहेगा। तो सफाई हम सब अगर उस पर ध्यान देंगे तो ये बेसिक गंदगी है जो हम अगर क्रिएट करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और अच्छी स्कीम है उन्नति स्कीम, हमारे LDM साहब भी यहाँ पे हैं, हमारे RSCP के डायरेक्टर साहब शायद यहाँ भी हैं। हम उन्नति में ऐसे मनरेगा के वर्कर्स जो 100 दिन पूरा करते हैं, जिन घरों में 100 दिन का रोजगार पूरा हो जाता है, उस घर में किसी भी आदमी को जॉब का डॉक्टर रजिस्टर्ड है उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। ट्रेनिंग के लिए ऐसे नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिसमें आपने कहा कि प्लम्बर की जरूरत है, प्लम्बर की ट्रेनिंग, ड्राइविंग की, इलेक्ट्रिशियन की, इवन कंप्यूटर को करना चाहे, पढ़ा लिखा जाता है वो कंप्यूटर भी कर सकता है। हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं, हमने सबसे पहला बैच जो है बाली विद्यालय का ही डेढ़ लगाया था, मुझे लगता है वो कंप्लीट हुआ है, होने वाला है। उसमें 10-15 लोग आपके यहाँ से ड्राइविंग सीखे हैं, आपके यहीं से जाकर देख रहे एप्लीकेंसी यहाँ से आए, हमने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको बैठाया और फायदा उनको निकाला कि सिर्फ आपको यहाँ आके सीखना नहीं है, आपको मनरेगा में 244 रुपए तैयारी है वो भी मिलेगी। रहने के लिए अगर वहाँ रहना चाहते हैं डेढ़ में RSCP का हॉस्टल है, वहाँ रहने के लिए जगह है, खाना पीने के लिए वहाँ खाना भी मिल जाएगा 3 टाइम का, और ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये बाइक से लोन निकाल सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं या कहीं पर काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये बैच भी हम शुरू करेंगे। आप सिर्फ दो काम करें, जिन लोगों ने 100 दिन पूरे 3 या 4 सालों में 2019 से लेकर अब तक अगर किसी भी घर में किसी भी जॉब कार्ड पर 100 दिन चढ़ी है और उनके घर में कोई भी 20 साल से छोटा आदमी, लड़का हो या लड़की, ये ट्रेनिंग करना चाहते हो, एक पोजिशन की उस जॉब कार्ड में उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि 18 साल से अगर इतने बेरोजगार लोग हैं उनका भी जॉब कार्ड में नाम होता ही होता है, अगर नहीं होता है उसकी एंट्री कर दी जा सकती है। वो आए और ये ट्रेनिंग सीखे ताकि बाद में वो किसी भी इदारे से अपना लोन निकाल कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो है अपना इदारा खड़ा कर सकते हैं और रोजगार बना सकते हैं, क्योंकि मनरेगा की 240 रुपए की दिहाड़ी से गुजारा नहीं होता है। सरकार का मकसद ये है कि मनरेगा में काम करते करते आप अपना स्किल भी अपग्रेड करें, उन्नति करें, प्रोग्रेस करें। उन्नति का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आप प्रोग्रेस करें उसके बाद आप जो है अपना नया कोई रोजगार खड़ा करें। कल भी मेरी बात हुई थी डायरेक्टर RSCP से, उन्होंने कहा कि नया बैच शुरू करेंगे, आप हमें लिस्ट दे दें, अगर आप उन्नति की कंप्लीट आना चाहते हैं हम नया बैच शुरू करेंगे। आप डोडा में करना चाहें, इवन अगर बाली में अगर हमें 20-25 लोगों का कोई बैच मिल जाएगा तो यहाँ पे भी उनके विशेष पर्सन आके इक्विपमेंट छोटा मोटा लाते यहाँ पे भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन भी करनी है उसके लिए भी बहुत बड़ा यह इदारा नहीं चाहिए होता, प्लम्बर का थोड़ा सीखना तो उसके लिए छोटी मोटी मशीनरी की जरूरत होती है,
आप सब ग्रुप बना के देख लें, वीडियो साहब आप भी देख लें, अगर हर लोग आ सकते हैं, डीटेन ब्लॉक से इकट्ठे हो सकते हैं, डीटेन पंचायतों से इकट्ठे हो सकते हैं, उसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये भी एक फायदे वाली बात है। इसके बाद हमारे पास डीडीयू जीकेवाई का एक सेंटर है बदरवा में, वहाँ पे भी 6 महीने के 3 महीने के 4 महीने के कोर्सेज होते हैं, उसमें भी उन्होंने वाला फ्री में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। देखो बाकी लोगों को वहां जाना तो एलिजिबिलिटी दिखानी है, उनको क्वालिफिकेशन दिखानी है, उन्नति वाले के लिए सिंपल बेसिक क्वालिफिकेशन और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और सही ढंग के रोजगार का इस्तेमाल होना चाहिए। वहां जाकर 6 महीने का होटल मैनेजमेंट का, टूरिज्म का कोर्स कर सकता है। इधर 6 महीने का उनका मोबाइल रिपेयरमेंट का या इलेक्ट्रिशियन का अच्छा कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने लगाना पड़ते हैं। वहां से रेजिडेंशियल नहीं है, वहां रहना खुद है, ट्रेनिंग फ्री होगी, सर्टिफिकेशन कोर्स फ्री होगा। आपके लोग जी में अगर सामने आना चाहे, जो सियाने लोग हैं जो यादगार प्रोग्राम करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो आपका यंग बच्चा है उसमें 10वीं पढ़ा है 8वीं पढ़ा है बेकार है, उसको 18 साल से बड़ा है, आपके साथ यादव निकालते हैं, उसको ट्रेनिंग ट्रेनिंग करेंगे, आप सुविधा जो है अपने आपको फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक एमबीए है उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं और अभी जो है जॉब कार्ड में या बेरोजगारी की वजह से मनरेगा में काम कर रहे हैं, ये इसका फायदा उठा सकते हैं। बड़ी प्यारी स्कीम है, लेकिन थोड़ा सा खर्च होकर और मकसद बनाना कि मैं 244 से 500 दे जाऊँ, 500 से 1000 दे जाऊँ, और अगर 244 से जो सेटिस्फाई है उसके लिए ना कुछ कर सकते ना डीसी साहब ना आप। शुक्रिया।